CNC, VMC, HMC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, 75 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है हाउ टू यूज़ G52 कोड। ओके, ये जो जी कोड है, G52 मतलब लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये फानुक कंट्रोल में VMC, HMC और टर्निंग में भी यूज़ होता है। ओके, लेकिन टर्निंग में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से जो पैटर्न है बोल्ड सर्कल के, इस तरीके से वहाँ पे यूज़ नहीं होते, लेकिन टर्न मिल मशीन्स में ये यूज़ होते हैं, इसलिए ये कोड वहाँ पे भी यूज़ होता है। ओके, तो ये तीनों मशीन्स के टाइप्स में ये G52 कोड यूज़ होता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम प्रोग्राम के थ्रू आज समझेंगे। तो ये हमारा ड्राइंग है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्क ज़ीरो है, XYZ ज़ीरो। जेड यहाँ पे नहीं दिखा है दोस्तों, क्योंकि उसका जो रेगुलर जेड आप लेते हैं वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और बाद में ये जो है हमारा, हमें यहाँ पे कुछ होल्स बनाने हैं। ओके, ये जो सर्कल्स है ये होल्स है। ओके, इनके डायमेंशन मैंने नहीं दिए हैं, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं कोई भी डायमेंशन ले लूँगा। ओके, और यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो G52 लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब, अगर आपको इस कोऑर्डिनेट को आपने कैलकुलेट किया मशीन में, आपने सेट किया कैलकुलेट करके G54 को आपने यहाँ पे सेट किया। ओके, अब यहाँ से अपने को आपको ये होल आपको मशीनिंग करना है, ड्रिलिंग करना है सपोज़, तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट आपको इजीली नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन इस सेंटर से ये कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएगा। ओके, जैसे ये वाला होल है। ओके, तो ये जो आर्क पे होल है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ड्राइंग में दिए नहीं रहते। ओके, तो आपको एक तो ऑटोकैड से ये कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन है आपका G16 जो कोड है, पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। अगर आपको वो पता नहीं है, एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट कमांड क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ सेंटर में ऑफसेट लेने के बाद जो ड्रिलिंग होल्स है इसका जो डायामीटर है उसको, इसका जो रेडियस है PCD का वो रेडियस, और आपको सिर्फ एंगल जो है काउंटर क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 ऐसा एंगल डालना होता है आपके ड्रिलिंग साइकिल में, तो आपको आसानी से ये पोजीशंस मिल जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको G16 मतलब पोलर कोऑर्डिनेट कमांड यूज़ नहीं करना है, तो आपको ऑटोकैड से 1x1 इस होल्स के सारे कोऑर्डिनेट लिख कर लाना पड़ेगा, और बाद में आपके ड्रिलिंग साइकिल में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो फिर इसके बाद हम इसका डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना चालू कर देंगे। ओके, तो इसका यूज़ होता है यहाँ से G54 से यहाँ पे, अगर आपको शिफ्ट करना है। ओके, यहाँ से G54 से यहाँ पे इसको G52 बोल देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे G52 पे शिफ्ट करना है, और अब यहाँ से अगर आप 16 यूज़ करेंगे, G16 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड, तो आपको यहाँ पे PCD/2 मतलब यहाँ का रेडियस और पोजीशंस एंगल आपको देने की ज़रूरत है, और आपका ड्रिलिंग साइकिल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालना कोऑर्डिनेट्स निकालना मुश्किल है, और यहाँ से कोऑर्डिनेट इस होल के निकालना आसान है, इसीलिए हम यहाँ से ऑफसेट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पहले, और बाद में यहाँ से आपका पूरा प्रोग्राम बनेगा। ओके, ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगता है वीडियो अच्छे है तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक अगर आप करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे वो वीडियो आगे जाता है लोगों तक। ओके, मतलब आपको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, अगर आपके ग्रुप्स है CNC के, उसमें ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे वीडियोज़ है सारे के सारे आप CNC के रिलेटेड है, और सारे नॉलेजेबल वीडियो है। ओके, तो आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है, हम लिखते हैं ओ नंबर, ओ मतलब प्रोग्राम नंबर, अगर मैं लिख दिया हूँ 4002। ओके, बाद में एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम चाहिए। ओके, बाद में जो भी कैंसलेशन कोड्स रहते दोस्तों, G17, G21, G80, G40, ओके, ये सारे कैंसिलेशन कोड्स जो आप फॉर्मेट में यूज़ होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से कोड्स आपको लिखना है। बाद में है आपका टूल चेंज M06 T01, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया,
कोई भी आपको जो भी अगर आपको कोई ड्रिल चाहिए, ड्रिल है 11 mm का फॉर एग्जांपल, ठीक है ओके। इसके बाद आपका पोजिशनिंग होता है दोस्तों, G90, G54 ओके। अब मैंने एक बात आपको नहीं बताई, यहाँ से इसका पोजिशन कितना है। फॉर एग्जांपल ये Y में 10 mm है ओके, और ये X में 20 mm है फॉर एग्जांपल ओके। G90, G54, G00 ओके। और अगर आपको यहाँ पे ज़ीरो करना है ओके फॉर एग्जांपल, तो नीचे की लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखता हूँ ओके। अब एक्स में 20 है ओके, एक्स 20.0, और वाई में कितना है 10, वाई 10.0 ओके। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओके। बाद में जो भी कमांड आपके स्पिंडल स्टार्ट के कमांड है ओके, जो भी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, MC03S सपोज 1000 का स्पीड है। बाद में आपका कूलेंट कमांड है M08 वगैरह, जो भी आप मशीन के हिसाब से होता है नॉर्मली। तो इसके बाद कूलेंट हो गया, बाद में आप एक्स वाई का पोजीशन ले लिए। अब आपको जेड में नीचे जाना है पार्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा G43, Z1.0 और H जो भी है इसके अकॉर्डिंग, टूल के अकॉर्डिंग, मतलब इसका टूल का हाइट रहता है ये टूल ऑफसेट में सेव्ड ओके। तो इसके बाद आपका Z1 हो गया, मतलब यहाँ से आप सेंटर में आ गए सीधा। और सेंटर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको G52 कमांड यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे रेड में लिख देता हूँ G52 ओके, और ये जो कोऑर्डिनेट है X20Y10, मतलब यहाँ से यहाँ के कोऑर्डिनेट, सपोज X20.0 Y10.0 ओके, ये जो है आपको यहाँ पे लिखना है ओके। तो G52 के साथ X20Y10, अब मशीन को पता चला कि आपका G54 शिफ्ट हो गया है टेम्प्ररी ओके, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके, मतलब टेम्प्ररी बेसिस पे आपका G54 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ओके। जब तक ये एक्टिवेट है दोस्तों G52, तब तक ये शिफ्ट ही रहेगा। आपको इसको कैंसिलेशन के लिए अलग कोड है, मैं बताता हूँ आपको। फिर ये होने के बाद आपका जो भी साइकिल है ओके, अब यहाँ पे अगर आपने कोई साइकिल लगाया है G99, G81 सपोज, बाद में R रहता है 0.5 ओके, G81 बाद में फीट रहता है सपोज़ वो 100 फीट। ये साइकिल में यहाँ पे लिखता नहीं है दोस्तों, ये आपके एग्जांपल के लिए है। कोई भी जो भी साइकिल है, ड्रिलिंग रहो या G82 स्पॉट ड्रिलिंग रहो या G83 पेग ड्रिलिंग रहो, ये साइकिल आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर टैपिंग का भी होगा तो टैपिंग का G84 या 74 यहाँ पे लिख सकते हैं ओके। तो इसके बाद में आपको डालना है डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, जो भी आपके इस होल के कोऑर्डिनेट है ओके। आपके पास अगर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट है तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखिए XY XY। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप G16 का यूज़ कीजिए ओके। G16 का यूज़ करके आप यहाँ पे इस होल के एंगल्स जो है वो डाल के यहाँ का जो PCD/2 का जो रेडियस आता है उसका PCD/2, इसका दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी है डिटेल्ड में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको अगर देखना है इसका कैसे प्रोग्रामिंग रहता है, तो वहाँ पे मैंने आराम से डिटेल में समझाया है, वो आप समझ लीजिए ठीक है। तो या तो G16 से इसके जो पोजिशन है वो यहाँ पर डालिए, या तो डायरेक्ट XY जो ऑटो कैड से मिलेंगे वो डालिए ठीक है। इसके बाद ये होने के बाद दोस्तों आपका आएगा सबसे लास्ट में आएगा G80 ओके। G80 मतलब इसका कैन साइकिल जो आपने यहाँ पे शुरू किया था इसको कैंसिल कर दिया है ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद आपको G52 को भी ये कैंसिल होने के बाद आपको G52 को भी ज़ीरो करना है ओके। तो इसके लिए क्या कोड रहेगा दोस्तों, G52X0Y0 ओके। तो आपका इस कमांड से आपका G52 अभी कैंसिल हो गया है ठीक है। इसके बाद में जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट G90 मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में यहाँ से ही शुरू होंगे ओके, ना कि यहाँ से। तो इस प्रोग्राम में क्या किया दोस्तों, हमने टेम्प्ररी बेसिस के लिए यहाँ से इस ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ G52 कमांड ओके।
और यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ से हमें ये कोऑर्डिनेट एकदम आसानी से मिल रहे हैं, ओके, या तो ऑटोकैड से या G16 से, ओके। तो इस तरीके से हम इजीनेस के लिए, इस कोऑर्डिनेट को इजीली बनाने के लिए हम G52 का यूज़ करते हैं, ओके। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सिंपल बात में मैं समरी करता हूँ कि आपको इजीली कोऑर्डिनेट ऐसे बोल्ड सर्कल के जो रहते हैं नॉर्मली जो सीरीज़ में ड्रिल्स रहते हैं उनको ये कोड की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऐसे कोऑर्डिनेट जहाँ पे सेंटर से, उसके सेंटर से सारे कोऑर्डिनेट इजी है, वहीं पे G52 यूज़ होता है। अदरवाइज जो अगर सीरीज़ में मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कुछ होल्स दिए हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप ड्राइंग पे डायमेंशंस रहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पोजीशंस है वहीं पे G52 यूज़ होता है, ओके। आप इसे VMC, HMC और टर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट अगर वैसी है तो ओके। तो इस तरीके से ये सारा आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।